वालों पर बड़ा हमला कर सकते हैं सीएम योगी। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा की जाएगी और अखिलेश यादव की तरफ से जो सवाल अभी तक सरकार पर उठाए गए हैं उन सवालों का जवाब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। तो विधानसभा के बजट सत्र का पांचवा दिन है, आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से जो सवाल सरकार पर उठाए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सवालों का जवाब आज देंगे। अखिलेश के सवालों पर बड़ा हमला सीएम योगी कर सकते हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, सरकार पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज उन तमाम सारे सवालों का जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जब से सत्र शुरू हुआ है और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी समाजवादी पार्टी का जमकर हंगामा देखने को मिला था, लेकिन कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए हैं सरकार के ऊपर, माना जा रहा है कि उन सवालों का जवाब आज मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा सकता है। हालांकि कल अखिलेश यादव जब सदन में बोल रहे थे और उसके बाद डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जब बोलना शुरू किए तो उन्होंने अखिलेश यादव के सवालों का जवाब जरूर दिया, लेकिन जो गंभीर सवाल खड़े किए गए, क्योंकि देखा जाए तो कल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने, चाहे हम जातीय जनगणना की बात करें, निवेश के मुद्दे की बात करें या फिर आवारा पशुओं के मुद्दों की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने काफी कटाक्ष किया सरकार के ऊपर और कई गंभीर सवाल खड़े किए। निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ कागजों में निवेश करा रही है, निवेशक आ तो रहे हैं लेकिन यहां पर निवेश का कोई असर होता दिख नहीं रहा है। वही अगर हम जातीय जनगणना की बात करें तो जातीय जनगणना को समाजवादी पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, चूंकि आज से समाजवादी पार्टी का एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश में भी शुरू होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार खुद समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहेगी। हालांकि देखिए जाति जनगणना को लेकर सरकार बार बार बोल रही है कि जो केंद्र की गाइडलाइन है और जो केंद्र के नियम है उन नियमों के तहत ही सरकार जाति जनगणना करा सकती है, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन जो है वो पहले से निर्धारित है। तो इन तमाम चीजों को लेकर माना जा रहा है कि आज भी सदन के अंदर हंगामा हो सकता है। हालांकि आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है और इस बात की प्रबल संभावना है कि आज मुख्यमंत्री इस चर्चा पर बोल सकते हैं और खासतौर पर जो अखिलेश यादव के द्वारा जो सवाल खड़े किए गए हैं सरकार के ऊपर, खासतौर पर जातीय जनगणना की बात करें, निवेश के मुद्दे की बात करें, आवारा पशुओं के मुद्दों की बात करें या फिर अगर हम किसानों के कुछ ऐसे मुद्दे हैं उनकी बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से सरकार का पक्ष रखा जा सकता है। लेकिन देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो विपक्ष का जो तेवर है, खासतौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, तो सपा के तेवर को देखते हुए ये साफ समझा जा सकता है कि आने वाले समय में, चूंकि 10 मार्च तक विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है, तो जब तक विधानसभा चलेगा ये तय माना जा रहा है कि इन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर रहने वाली है। हालांकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से भी, जो चाहे हम डिप्टी सीएम की बात करें या फिर जो सरकार के तमाम मंत्री हैं उनकी तरफ से विपक्षी सदस्यों को जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन इसमें एक ऐसा ठीक है, कहीं ना कहीं विपक्ष और समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और इसी को आने वाले चुनाव में अपना हथियार बनाना चाहती है। तमाम सारे सवालों का जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। अविनाश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके पास वापस आएंगे। बजट सत्र पर बहस करते हुए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार पर खूब तंज किया। बीजेपी का बहुत फंडामेंटल क्लियर था कि कोई भी सूट और टाई पहने बस उससे एमओयू करा लो। जो 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां है जमीन पर, कितना आ गया ये बता दें आप, और फिर इस बार कितने लाख करोड़ का एमओयू कर दिया, मेला लगा लिया वहां पर, आंकड़े कितने आए, 32-33 लाख करोड़। अखिलेश यादव ने कहा कि आपके मंत्री पैसा मांगने विदेश गए थे, क्या वहां सड़कों पर उन्होंने सांड को देखा था? इतने देश देखा है आप लोग, किसी देश में सड़क पर सांड दिखाई दिया? अमेरिका गए थे हमारे वित्त मंत्री जी, क्या सांड दिखाई दिया वहां पे? मैं तो पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ लोग ऐसे भी होंगे, माननीय सदस्य ऐसे भी होंगे जो किसी न किसी घर में दुख में गए होंगे, सांड की वजह से जान गई है।
अखिलेश ने छुट्टा जानवरों के कारण होने वाली मौत पर मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। अखिलेश ने ODOP पर भी सरकार से सवाल पूछे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्या बजट था बता दें हमें, किस डिस्ट्रिक्ट का बजट था? ये हमारा माननीय सदस्य जब मैं घर सदन में आया तो माननीय सदस्य हमारा बोल रहा था, विधायक जाहिद वेग, वहां बुनकरों की सुविधा के लिए और कारपेट के कारोबार के लिए एग्जीबिशन लग जाए, उसके लिए कारपेट मॉल एक्सपोर्ट मॉल बनाया गया, मार्ट बनाया, उद्घाटन का उद्घाटन कर लिया, उससे कितना आगे बढ़ा दिया आपने, कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया वहां पर। अखिलेश ने किसानों की आय दोगुनी न होने पर सवाल किया तो लोक गायिका को भेजी गई नोटिस पर भी सरकार पड़तंज कसा। टीम न्यूज स्टेट। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जातीय जनगणना पर सियासत तेज। आज से SP का जातीय जनगणना अभियान, वाराणसी से होगी अभियान की शुरुआत और सरकार पर दबाव बनाएगी समाजवादी पार्टी। ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाएगी SP और जातीय जनगणना की मांग करेगी पार्टी। 5 मार्च को प्रयागराज में कार्यक्रम का समापन होगा। तो जातीय जनगणना को लेकर यूपी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी आज से जातीय जनगणना अभियान का आगाज करने जा रही है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अभियान की शुरुआत होगी। SP ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाएगी और यह अभियान 5 मार्च तक चलेगा और प्रयागराज में इसका समापन होगा। SP लगातार सरकार पर जातीय जनगणना को लेकर दबाव बना रही है। और विनाश लगातार हमारे साथ बने। अविनाश, अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे सरकार पर हमला करने के लिए और जातीय जनगणना इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में पूरी तरह से पिच तैयार की जा रही है बैटिंग करने के लिए लोकसभा के चुनाव में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए कई मुद्दों के साथ लगातार नए नए प्रयोग करती नजर आ रही है। हालांकि पिछले चुनाव में भी अगड़ा पिछड़ा का जो मुद्दा था उसको हवा देने की समाजवादी पार्टी ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी उसमें सफल नहीं हो पाई थी। अभी हाल ही में आपने देखा कि रामचरितमानस को लेकर किस तरीके से एक नई हवा देने की कोशिश की गई थी, हालांकि वो भी मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन चूंकि अब जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समाजवादी पार्टी को शायद ये लग रहा है कि अगर इस मुद्दे को हवा जाए, इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को अभी सबसे ऊपर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और चाहे विधानसभा सत्र की बात हो या फिर सदन से बाहर की बात हो, समाजवादी पार्टी की कोशिश यही है कि इस मुद्दे पर सरकार पर प्रेशर डाला जाए, सरकार को झुकाया जाए। हालांकि सरकार लगातार बोल रही है कि ये जो पूरा मसला है, जो पूरा मुद्दा है, वो केंद्र का है और केंद्र जैसा चाहेगा उसके लिए सरकार तैयार है। लेकिन देखिए, आज से एक बड़ा अभियान समाजवादी पार्टी शुरू करने वाली है। चूंकि कल ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था और उसमें चूंकि जो पूरा कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी का जातीय जनगणना को लेकर जो संगोष्ठी आयोजित करने वाली है सपा, उसका पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था। तो आज पहला दिन है, बनारस से इसकी शुरुआत हो रही है। और चूंकि देखा जाए तो बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, बीजेपी के एजेंडे में वो शहर आता है, तो उससे शुरू होगा और प्रयागराज में जाकर ये पूरा जो सम्मेलन होगा समाजवादी पार्टी का खत्म होगा। देखिए